आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लग गए राम तो सबके हैं। ये है परिवर्तन। जो राम भक्तों के गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, तो यही तो हम पहले कहते थे कार सेवा के समय, हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो, यही तो हम कहते थे। अंततः राम भक्तों ने जो कार सेवा की थी वो विजय दे ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होना इस बात को साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था और वहां आंदोलन कार सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारात्मक नहीं था। उस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे और इसलिए उस आंदोलन को बदनाम करते थे। और जब हरेक क्षेत्र में फेल हो चुके हैं, अब फिर वही राग अलापने का कार्य कर रहे हैं। पहले राम को मानते नहीं थे, अब कहने लग गए राम तो सबके हैं। भगवान करे सद्बुद्धि हमेशा उन लोगों को बनी रहे और वे लोग भारत के लिए भी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके।